हैं, चाहे हम नमाज अदा कर रहे हैं, चाहे हम प्रेयर कर रहे हैं, बात फर्क नहीं है। क्योंकि जिसके लिए की जा रही है वो दो नहीं है, वो एक है, और जो कर रहा है वो भी एक है। रास्ते अलग हो सकते हैं, गंतव्य एक है, गोल एक है, इसे पहचानने की जरूरत है। और यही हमारे जो पैगंबर हुए हैं, पीर हुए हैं, उन्होंने हमें यही सिखाने की कोशिश की है। उन्हें शायद बार बार आना पड़ता है, क्योंकि हम बार बार भूलते हैं। हम क्यों भूलते हैं? कितनी बार हमें समझाया जाएगा? क्या हमें मनुष्य जीवन और ये इंसानियत केवल इसी के लिए मिली है या किसी और काम के लिए? आज की सभा में ये विचार आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्या हम अपना बिट कर रहे हैं? क्या हम अपना रोल अदा कर रहे हैं? जिस मकसद के लिए इस संसार में हम भेजे गए हैं, वो मकसद केवल तो केवल एक है कि हम उस खुदा ताला से पता नहीं कितने जन्म जमांतरों से हम बिछड़े हैं और उसमें विलीन हो सके। सब धर्म इस बात की स्पष्टता देते हैं कि जो कुछ इस संसार में हो रहा है, चाहे वो दुख है चाहे सुख है, ये केवल उसके बिछड़न से है। और ये एक मानव जीवन जो है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे वापस मिल सकें। वापस मिलने का भाव ये नहीं है कि कहीं वो अलग कहीं बैठा है। वो गुण, वो क्वालिटीज, वो एट्रीब्यूट्स जो हम ये कहते हैं कि इस खुदा ताला के हैं, उन्हें हमें बनाना पड़ेगा, अपने आप में उभारना पड़ेगा, और उनसे समर कर हम उस पर्सनालिटी को अख्तियार कर सकते हैं जो उसकी है, और उसी के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। हर शरीर में, हर मनुष्य में केवल वो अल्लाह ताला राम भगवान ईश्वर बोल रहा है, उसके बिना कोई और बोल सकता है क्या? ये प्रश्न है। इसका जवाब भी यही है कि कोई और नहीं हो सकता है, तो हम कैसे डिस्टिंग कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप में भाईचारा नहीं ला सकते? फरीद कहते हैं, भक्त फरीद, फरीदा खालक, खलक में खालक, वसे रब माहि, मंदा किस्म वाखिए, जा तिस बिन कोई नाही। कितनी स्पष्ट है भक्त फरीद के ये शब्द। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नाही कोई। एक पवन, एको पवन, माटी सब एका, सब एका जोत सबाई। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थी सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। क्या इसके अलावा भी हमें और कुछ चाहिए ये पहचानने के लिए कि हमारी यदि कोई शख्सियत है तो वो एक सार्थकता में है, भाईचारे में है, और हमारी हर एफर्ट, हमारा हर काम जब तक इस दिशा में नहीं जाएगा कि हम अपने एक साथ जुड़े रहें। मैं नेशनल इंटीग्रेशन की बात नहीं करता हूं। इंटीग्रेशन की बात तब की जाती है जब हम टूट चुके हों। हम टूटते ही क्यों हैं? भगवान ने, अल्लाह ताला ने हमें एक बनाया है, हम क्यों अलग हुए हैं और उसके बाद हम जुड़ने की बात करते हैं? ये विचारने की बात है। हमारे सारे एफर्ट, हमारे सारे कार्यक्रम सिर्फ एक दिशा में होना चाहिए कि हम कैसे टूटे नहीं, ना कि हम कैसे जुड़े। जुड़े हुए तो हम पैदा हुए हैं, हम क्यों टूट रहे हैं? यदि आज हम ये विचार नहीं करेंगे तो शायद हमारा ये जलसा किया व्यर्थ है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उसके साथ ही समाप्ति करूंगा। सबे संगे वाल सदायन, कोई न दिसे बाहरा जियो। ये संकल्प कि ऑन दिस अर्थ वी आर को शेयरर, बट इन स्पाइट ऑफ बींग को शेयरर, शेयरिंग द ट्रेजर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, वी आर ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट ईच अदर। लेट अस स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन। Let us ask Guru Nanak what he says about exploitation. He says, Hak paraya nanaka,
उस सुअर उस गाय. इफ यू आर हिंदू इट इज लाइक ईटिंग काउ और इफ यू आर मुस्लिम इट इज लाइक ईटिंग पॉर्क. Somebody is right. When you snatch, we get divided. When we share our own resources, we come closer. Meditating on God's name and putting efforts in service. This is how one can be binded to the society and the Supreme Lord. There is no other way. Thank you very much for giving me the opportunity.